यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है? सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं? और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए मन मिटने की प्रेरणा दी थी। हिंदुस्तान के हर कोने में वंदे मातरम चेतना का स्वर बन गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के ही टुकड़े किए, इतना नहीं वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए लोग। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है उसको काट दें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। ये सपना देखने वालों का जो लोग समर्थन करते हैं,